प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज पुणे जाना था। उन्हें कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन जोरदार बारिश और खराब मौसम विमान की लैंडिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था, उसे लेकर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के बीच राजनीति शुरू हो गई। जबरदस्त बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कें पानी में डूब गई और तैयारियां धुल गईं। पुणे में मेट्रो का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। इस भूमिगत परियोजना का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बारिश ने गड़बड़ कर दी। कई जगहों पर पानी बहता रहा और सभा स्थल पर मंडप भी गिर गया, जिसके बाद पुलिस वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुट गई, लेकिन खराब मौसम के कारण दौरा रद्द कर दिया गया। अब बारिश के ऊपर ईडी लगाएंगे, इतना बारिश हो गया और प्रधानमंत्री जी का दौरा रद्द हो गया है, तो शायद बारिश के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच हो सकती है। We are very very happy that the honorable prime minister loves Pune so much. Atithi Devo Bhava, this is our culture. Our guest is like God. So we are very happy that he is coming to Pune. But I hope he is a very busy man. He has to run the entire country. I hope his office has informed him that this is the same metro which is inaugurated and it's the sixth time it's being inaugurated. प्रधानमंत्री के पुणे दौरे के लिए बीजेपी ने जोरदार तैयारी की थी। अब कार्यक्रम रद्द होने के बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी ने मिलकर लोगों से मेट्रो का उद्घाटन कराने का संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी ने विकास काम के लिए आंदोलन खड़ा नहीं किया, क्योंकि पहले ही विलंब हो चुका था मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के लिए। जिस मेट्रो उद्घाटन का 3 साल में काम पूर्ण होना चाहिए था, उसे 8 साल लगे हुए हैं और पूना का जो ट्रैफिक कंडीशन है बलहाल हो चुकी है। इसीलिए हमने इसमें कोई बाधा न आने के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, मगर आज भी हम यही चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन वो अगर ये उद्घाटन कर ले तो ठीक, नहीं तो कल पुणे शहर के ज्येष्ठ नागरिक के हाथ से कल इस मेट्रो का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी कर लेगी। महाविकास आघाड़ी के सभी नेता कल मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। पार्टी कह रही है कि पीएम अगली तारीख देंगे और उसी के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी सियासत चरम पर है। पुणे मेट्रो दिन का प्रोग्राम तो खासा सरकारी था, लेकिन उसके बाद भाजपा के झंडे लहराने लगे, फिर कांग्रेस को आपत्ति हो गई और इसलिए पुणे में आज कांग्रेस ने आंदोलन किया। और जहां मैं खड़ा हूं, यहां प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेशन के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भाजपा के झंडे दिखने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई और अब ये कह दिया है कि कल सुबह पुणे के कुछ स्थानीय नागरिक और उन्हीं के साथ कांग्रेस के नेता यहां आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम तो आगे चला गया है, लेकिन वही यहां आके इस पूरे मेट्रो स्टेशन का इनॉग्रेशन करेंगे और स्थानीय लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मेट्रो प्राधिकरण कुछ आपत्ति दिखाता है तो यहां आंदोलन छेड़ने की अभी चेतावनी कांग्रेस नेताओं ने दी है। प्रधानमंत्री तो आगे आएंगे, आज का प्रोग्राम भी रद्द हो गया है, लेकिन पुणे में कांग्रेस और भाजपा के बीच में राजनीति खासा गर्म हो गई है। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, पुणे आज तक।